और अब तो इस बात के साथ अपनी बात शुरू करूंगा कि हमने तारीख बदली थी। 2 महीने पहले योगी मां पर्व किया था, कई करोड़ रुपया खर्च होता है योगी मां पर्व पे, और उसके बाद उम्मीद नहीं थी कि अगर कोई प्रोग्राम रखेंगे तो आप उतनी मात्रा में आ जाएंगे, मगर आप लोगों ने वो जो एक प्रतिबद्धता होती है मिशन के साथ, जिस बात को मैं हमेशा कहता हूं कि केवल नारा लगाना नहीं है, नारे पे अमल भी करना है। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और यहां हम जाकर जंतर मंत्र पे अकेले खड़े होते तो नारा फेल हो जाता ना। वो कट्टरता वो ईमानदारी आप में है, नहीं तो 2 महीने बाद फिर उतना बड़ा प्रोग्राम कर देना थोड़ी मुश्किल थी, साथ ही डर भी रहे थे। तो मुझे यकीन था आदर्श परिवार पे, इतने सालों का जो रिश्ता है, जो मैंने आपको देखा है परखा है, वो यकीन था कि जब हम कोई प्रोग्राम रखते हैं, वो चाहे कोई फंक्शन करने का हो या जमीन खरीदने का हो, दिल्ली में ऑफिस लेने का हो, आप लोगों ने कभी हमारे किसी फैसले को कमजोर नहीं पड़ने दिया। हमारे फैसले हमेशा आप लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। तो आज जो हो रहा है ये आदर्श के इतिहास में एक नया तरीके का काम है। मैंने बार बार कहा, जब अधिकारी जी पंजाब सरकार ने इनको सफाई मजदूर आयोग का चेयरमैन बनाया, आपको याद होगा मैंने तब भी कहा था कि पूरी ताकत लगाएंगे लोगों को पक्का कराने में, मगर उसके बाद सफाई कर्मचारी वाली लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये मैंने कहा था कि लड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुझे सफाई कर्मचारी रखना नहीं, आप मैं आपसे ज्यादा रिश्ता आपके बच्चों के साथ रखता हूं, उनके थ्रू मैं बदलना चाहता हूं इस कास्टिज्म को, इस सफाई के चक्कर को, इस धरक को बदलना चाहता हूं। और उसी को लेके हमने लगातार J&K से लेके बॉम्बे तक, लखनऊ में, राजस्थान में शिक्षा सेमिनार की शुरुआत की। और आज भी अभी मुझे मीडिया पूछ रहा था कि आपके इस प्रोग्राम में क्या सारे सफाई कर्मचारी हैं? मैं कहा सफाई कर्मचारी तो हो सकता 10% हो, 2-4% सीवर मैन भी हो सकते हैं, क्योंकि वो 60,000 पे काम करने वाले हैं, वो दिल्ली नहीं आ सकते। यहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मंच पे CMO भी बैठे हैं, मंच पे DSP भी मौजूद है, यहां नीचे टीचर भी मौजूद हैं, हमारे प्रोफेसर लेक्चरर भी मौजूद हैं। ये सारे लोगों ने मिलके ताकत लगाई है, क्योंकि ये इस कौम में पैदा हुए हैं, इस कौम में पैदा हुए हैं, इनको भी एक सफाई कर्मचारी मां ने पैदा किया है। ये भले अफसर बने हैं मगर अपनी मां के दर्द को, उस दुख को जानते समझते हैं, और इसलिए आए हैं। अभी रविंदर जी, मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा मुझे आखिरी वेट हो रही है, डॉक्टर नंदनी सुंदर जी यहां आ गए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे आ जाए। डॉक्टर नंदनी सुंदर जी, हम हर बार बोलते ना दलित आदिवासी, तो दलित तो आप बैठे हैं, नंदनी सुंदर जी प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और ट्राइबल से है, आदिवासियों से, आपका गौरव है, कभी अलग अलग नहीं बोलता मैं, और बड़ी लड़ाई भी लड़ती है, मैं पिछले 10-15 साल से देखता हूं, और दिल्ली की प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, और सरकार क्या कह रही है, देखो सरकार और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों की मानसिकता खास पंचायत की है,
सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब आपका प्रोफेसर हमने लगने नहीं देना। सातवीं पोस्ट आएगी एससी के लिए, चौदहवीं पोस्ट अगर आएगी तो एसटी के लिए। अब आगे से नंदनी को हम, आगे जो नंदनी हैं जिनको इन्होंने पैदा किया होगा, उन नंदनियों को यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा। बिल्कुल हरियाणा की खाप पंचायत की तरह। और सरकार क्या कह रही है, जैसे मैं आज दुख बोल रहा हूं कि सीवर में आदमी जिंदा जाता है अपनी मर्जी से, सरकार का भेजा हुआ, प्रशासन का भेजा हुआ, जिंदा बाहर वापस नहीं आता। और हमें ऐसी सरकारों को उखाड़ना है। और नंदनी जी जब यही बात करती हैं कि जंगल का हर आदमी उग्रवादी नहीं है, जंगल का हर बच्चा नक्सलाइट नहीं है, जंगल की जमीन उसी आदिवासी की है, पूरे देश में कानून है पंचायतों का, गांव की जमीन पंचायत के पास होती है, मगर जहां ट्राइबल है वहां सरकार के पास है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 लाख आदिवासी निकाल दो, बिना सोचे। जिस देश में 1 करोड़ भी रहा कभी, लड़ाई लड़ी गई बॉम्बे के फुटपाथ की, कि फुटपाथ पे आदमी को बैठने का सोने का अधिकार है, उसी देश का सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वहां फुटपाथ पे बैठने वाले की जाति नहीं थी। और जब ट्राइबल की बात आती, जाति की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इनको जंगल से निकाल दो। ये दिल्ली में भी हो सकता है, शहर के लोगों के साथ भी। महाजी आपकी कितनी यहां पर एनडीएमसी की कॉलोनी है, 100-200 से ज्यादा ही होंगी, और सारी एनडीएमसी की है। उसकी प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है। जिस दिन किसी मिनिस्टर बिल्डर को, मिनिस्टर कम बिल्डर, जिस दिन मिनिस्टर कम बिल्डर को अमित शाह की नजर पड़ गई कि ये कॉलोनी की जगह तो अंदर आ गई, कनॉट प्लेस को लगती है, और इसके ऊपर तो बड़ा शॉपिंग मॉल बन सकता है, करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है, तो आपको भी निकालने की कोशिश करेगी। तो हमें ये लड़ाई मिलके लड़नी है, मिलके लड़नी है। और मैंने आज बार बार कहा है प्रेस से, उन्होंने कहा क्यों आए हैं, मैंने कहा कि अमानवता के खिलाफ आए हैं, पार्टियों की बेशर्मी के खिलाफ आए हैं, कि आदमी सीवर में जाता है और सीवर में बाहर जिंदा नहीं आता। और देखो घर में सूचना क्या जाती है, उसकी बॉडी निकाली नहीं जाती, बॉडी निकालने में दूसरा आदमी हमारा जाता है, और वो भी कभी कभी वापस नहीं आता, फिर तीसरा जाता है वो भी वापस नहीं आता। और घर क्या सूचना जाती, पत्नी को, बच्चों को, कि तुम्हारा पति सीवर में डूबा मरा पड़ा, ये जाती है। और हमारे लोग भाग के जाते हैं, उसकी बॉडी निकाल देंगे, सरकार भी निकाल, उसके खिलाफ लड़ने आए हैं, और ये मानवता के खिलाफ है। तो लोगों ने समझा, इसीलिए पूर्वानंद जी हमारे बीच में थे, उनका सफाई कर्मचारी जाति से सीधा कोई संबंध नहीं, मानवता से संबंध है। इसीलिए डॉक्टर योगेंद्र यादव है जिन्होंने मुझे कहा इस मुद्दे को हमने बड़ा करना है। और योगेंद्र यादव जी को मैं यहां से बधाई भी देना चाहता हूं आप सबकी तरफ से, कि इन्होंने किसान आंदोलन लड़ा और उसको पहली लाइन में, हेडलाइन में ले आए, सारी पार्टियों की हेडलाइन में। और मई जून में यही एक पन्ना लेके मई जून में खेतों में घूमते हुए, मैंने उस वक्त लिखा भी दिल्ली जो आदमी कई यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर रहा हो, ये खेतों में क्यों घूम रहा है, इसके खेतों की कोई समस्या नहीं है, प्रोफेसर ही बना रहे तो कई लाख रुपए तनख्वाह मिलती रहेगी। और उन्होंने उस आंदोलन को जैसे निपटाया, मेरे साथ बात की कि अब हमने सफाई कर्मचारी के लिए एक बड़ा आंदोलन बनाना है, आज ये पहला कदम है, लड़ाई खत्म नहीं है, पहला कदम है। और पहले कदम से मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पैरों में गिर गया, पहले कदम से पकड़ हमारी कम नहीं है। लोकसभा की वोटें पढ़ने दो,
हमारी बस्तियों के बूथ बताएंगे कि हमारा वोट कहां गया, ताकत कम नहीं है हमारी, जवाब देंगे। तो बिल्कुल 4 बजे मैंने प्रोग्राम कहा था खत्म करेंगे, तो हमारे बीच में डॉक्टर नंदनी सुंदर जी, और जिनसे मेरा सामाजिक ये जो हमारा आंदोलन वाला रिश्ता भी है, और मैंने एक दिन लिखा कि मैं आपको किस तरह से संबोधन करूं, बेटी का हूं या बहन का हूं। मैंने ये भी बात उनसे की, क्योंकि मुझे वो दूसरा रिश्ता नहीं पसंद होता जो बीच में ज्यादा साहब साहब लगा के, मैडम मैडम लगा के जो रिश्ता, वो मुझे पसंद नहीं है। तो अब उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपनी बात करें।